हेलो फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल्स में आज हम जानेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर की ज़रूरत हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज यानी कि जीन क्लोनिंग के प्रोसेस में पड़ती है। ट्रेडिशनली जीन क्लोनिंग को एक लिविंग बैक्टीरिया के अंदर कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता था। इसमें एक फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को हम डीएनए के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करवाते थे, उस पूरे इंजीनियर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को हम सेल के अंदर इंसर्ट करते थे। सेल की मशीनरी यूज़ करके वो मैनिपुलेटेड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करता था और सेल के मल्टीप्लिकेशन के साथ उस डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की कॉपीज़ का भी कॉपी बनता चला जाता है। एक कॉलोनी में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और उन बैक्टीरियल सेल्स में बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, तो इस तरीके से हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की मल्टीपल कॉपीज मिल सकती है। बट इतनी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर के अलावा पीसीआर एक ऐसा मेथड है जिसमें ये सारा प्रोसेस विद इन अ टेस्ट ट्यूब किया जा सकता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द डिसएडवांटेजेस दैट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये जीन को प्यूरीफाई करना। जीन की प्यूरिफिकेशन वैसे अब विदाउट पीसीआर करना थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट विद पीसीआर विद इन अ टेस्ट ट्यूब ये कॉपी प्यूरीफाई, जीन प्यूरीफाई हो सकता है। प्लस पीसीआर में कॉपी करने के लिए वी डोंट नीड अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियल सेल की ज़रूरत नहीं होती, तो हमें सेल को मेंटेन नहीं करना पड़ता अनटिल एंड अनलेस हम उससे कॉपीज एक्सट्रैक्ट ना कर लें। तो पीसीआर ने, चूँकि 1985 में कैरीमुलिस ने इसे इन्वेंट किया था, इसमें हमें कोई लिविंग सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिंगल टेस्ट ट्यूब में डीएनए के मल्टीपल सीक्वेंसेस हमें मिल सकते हैं। नाउ प्योर सैंपल ऑफ जीन कैसे हमें पीसीआर की मदद से मिलता है? पहले तो हम समझ लें कि व्हाई वी नीड अ प्योर सैंपल ऑफ जीन। फॉर एग्जांपल, ये बैक्टीरियल डीएनए का, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक फ्रैगमेंट है, इसमें बहुत सारे जीन्स हैं। इन जीन्स में से हमें सिर्फ टीआरपीए जीन में इंटरेस्ट है। वी वांट ओनली टीआरपीए जीन एंड स्टडी दिस जीन विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसे फ्रैगमेंट करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ जीन्स मिलेंगे और इन मिक्सचर ऑफ जीन्स के मदद से अगर हम इस तरह का कंस्ट्रक्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी विल बी एक्सट्रीमली लो। तो टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्ट, हमें एक प्योर टीआरपीए का मिक्सचर चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पीसीआर की मदद से पॉसिबल हो सकता है। इसमें क्या करते हैं हम, पीसीआर में एक छोटी सी ट्यूब में एक बफर लेते हैं, एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर लाइक 94 डिग्री सेल्सियस, एक डीएनए सैंपल का टेम्पलेट जिसमें कि वो डिज़ायर्ड जीन हो जिसे हमें एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई करना है, और उस जीन के फ्लैंकिंग प्राइमर्स हों, प्लस साथ में उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हम देते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे। इन सब को मिक्स करके इस ट्यूब को हम इस थर्मल साइक्लर में रख देते हैं। जब ये थर्मल साइक्लर ऑपरेट होता है तो इसके अंदर ये प्रोसेस चलती है। इसमें जो टेम्पलेट डीएनए, जो डिज़ायर्ड हमने डीएनए मॉलिक्यूल डाला है जिसमें कि वो जीन प्रेजेंट है, वो 94 डिग्री सी जब मेंटेन होता है थर्मल साइक्लर में तो वो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। अब टेम्परेचर वाइज वो थर्मल साइक्लर का काम बस टेम्परेचर मेंटेन करना है। वो पहले 94 डिग्री सी लेकर आएगा, फिर 50-60 डिग्री सेल्सियस लाएगा और फिर 74 डिग्री सेल्सियस लाएगा। ये प्रोसेस 25-30 टाइम्स रिपीट होगी। इस दौरान क्या होता है, जब 94 डिग्री सी टेम्परेचर आता है तो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि बीच में होते हैं वो टूट जाते हैं। फिर वो डीएनए स्ट्रैंड्स जब अलग हो जाते हैं तो प्राइमर्स आता है। प्राइमर्स जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन के फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस पे आके अटैच हो जाते हैं, और ये अटैचमेंट तब होता है जब इसका टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद हम उसका टेम्परेचर या थर्मल साइक्लर का टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस कर देता है। इस दौरान टैग पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है और वो इस प्राइमर को एक्सटेंड करने लगता है। इसकी वजह से हमें दो नए मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो एक साइकिल करने पे
एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन गया, तो 25 टू 30 साइकिल्स तक ये नंबर बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, दैट इज़ मिलियंस में। तो इस तरीके से हमारा PCR एकम्प्लिश होता है। गुड लक फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे।